व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू सर्वाइवल सीरीज। और यस गाइस, आज इस सर्वाइवल सीरीज का स्टार्टिंग भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे गाइस फुल तूफान है। इस सर्वाइवल सीरीज में एक ऐसा तूफान है कि आप लोग सोच के भी डर जाओगे। इस वर्ल्ड के अंदर हीरो ब्राइन आया हुआ है जिसने मेरे इस पूरे प्यारे से सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा चुकी है। उस हीरो ब्राइन को ख़त्म करने का अभी तक कोई भी तरीका नहीं है और मैं इसीलिए ये सीरीज़ भी अब से शुरू कर रहा हूँ। वो सामने आप देख रहे हो, वो गाड़ी मेरी है, ठीक है। ये सब गाड़ियाँ तो हैं मेरी, लेकिन ये देखो, ओए, यही तो कर्ज है इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई वो, अब क्या करूँ मैं, नीचे भाई वो नीचे ही खड़ा हुआ है। शिट, शुक्र है भाई ये घर बनाते हुए मैंने ये दरवाज़ा भी किया था। यही कर्ज इस पूरे वर्ल्ड में फैला है कि ये ही जानवर हर जगह पे मौजूद हैं। वो देखो वहाँ पर भी मौजूद है वो। शिट, ये क्या है, ओह माय गॉड, इतने सारे लोग हैं, व्हाट द हैक। देखो तीन लोग तो यहाँ पे हैं, एक मेरे घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। यही कर्ज इस पूरे वर्ल्ड के अंदर है और मुझे आज इसी ही कर्ज को ख़त्म भी करना है। आज तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन किसी भी तरह ये कर्ज को मुझे ख़त्म करना है। शिट शिट, इधर तो तीन के तीन नहीं, चार के चार खड़े हुए, और एक और आ रहा है, आई थिंक एक और आ रहा है। एक और ने मुझे देख लिया उस तरफ से। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये भाई इधर तो चार के चार खड़े हुए हैं। और मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी बुगाटी है जो कि बहुत प्यारी है, इसमें मैं बैठ भी सकता हूँ। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मेन हीरो ब्राइन है। वो देखो, वो जो जगह है, आ, आ, ओ भाई ये देख लेगा, ये करीब क्यों आ रहा है भाई, दूर जा यार मेरे पास से। भाई मुझे जगह चेंज करके जाना पड़ेगा, ये मेरे पीछे एक दफ़ा भी पड़ गया सीरियसली मुझे वन हिट भी कर सकते हैं। वॉट आई एम डूइंग गाइज, देख लो वो रहा, इस तरह के ये लोग दिखते हैं, ये हीरो ब्राइन है, व्हाट आई डोंट नो। और वो मेरी गाड़ी भी खड़ी हुई है, लेकिन मेन चीज़ है ये, यहाँ अंदर हीरो ब्राइन कैप्चर्ड है। तुम लोग चाहते हो कि मैं ये जगह दिखाऊं तुम लोगों को, ऊपर हीरो ब्राइन कैप्चर्ड है, ठीक है, मैंने देखा है ऊपर हीरो ब्राइन कैप्चर्ड हुआ हुआ है। तो गाइस चलो तुम लोगों को मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ। कल घर को वापस आ गया था क्योंकि भाई मेरे पास फूड की भी कमी थी और दूसरे ब्लॉक्स भी नहीं थे, सो हाँ इस वजह से। और तो वो जो जगह मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, वो ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, इस वजह से। तुम लोगों ने एक चीज़ मिस कर ली है, वो भी चीज़ मैं दिखाने आया हूँ कि इस वर्ल्ड में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि यहाँ नीचे है। सी, यहाँ पर पेंटिंग्स लगाई हुई थी कि किसको पता ना चले, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी बहुत हेल्प करता है। हेलो भाई, इसका नाम है, देख ही सकते हो, नल ब्राइन। ये मेरा फ्रेंड है और इसके पास एक नेदराइट और एक दो डायमंड के आर्मर पड़े हुए हैं। भाई नलब्रेन तू कैसा है यार, इससे मैं इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ। तो भाई सीरियसली आई लव यू यार नलब्रेन, ये मेरी बहुत हेल्प करता है। नलब्रेन और मैं थक चुके हैं इस हीरो ब्रेन को मार मार के मार मार के, लेकिन वो मरता ही नहीं है इस वर्ल्ड में। अगर मैं इसको मारूँगा अभी ना, तो ये मेरी जगह पर ही इसकी अपनी मर्ज़ी कि जहाँ पर भी टेलीपोर्ट हो, यानी ये टेलीपोर्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम अगर ये मैं इसको मार भी दूँ। लेकिन मेन मसला है कि ये यहाँ पे मेरे घर पे क्या कर रहा है। ये आया था भाई, ये किसी और वर्ल्ड से आया, इसको अपना घर नहीं मालूम कि इसका घर कहाँ है। तो मैंने बोला चलो तुम मेरे साथ ही रह लो, तो इसने बोला ओके। तो मैंने इसके लिए एक सीक्रेट रूम बना दिया, अलग अलग जगह कर दी, सो हाँ इसके लिए मैंने बेसिकली सब कुछ कर दिया। एंड उसके बाद से मेरा फ्रेंड है, उसके बाद से हम लोगों ने क्या क्या तरकीबें लगाई तुम लोग नहीं जान सकते। तो तभी मैंने इस सर्वाइवल सीरीज़ को स्टार्ट किया। देखो अब इसने मुझे क्या बोला, हीरो ब्राइन ने मुझे, नल ब्राइन ने मुझे क्या बोला, नल ब्राइन ने मुझे एक ही बात बोली कि अगर हीरो ब्राइन को हम दोनों ने मिलकर डिफीट करना है तो एक स्पेशली एक सॉर्ड है, जो कि सॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ओह ये क्या है, ये देखो एंड पोर्टल का फ्रेम। अभी एंड पोर्टल का फ्रेम तो सीरियसली क्रिएटिव में ही मिलता है, सर्वाइवल में नहीं मिलता। ये मेरा पालतू डॉग है जिसको मैं उठा सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पर ना मेरी एक प्यारी सी लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हुई है,
जिससे मैं वो अभी मैं मर जाता अगर मैं यहाँ से गिरता तो। यहाँ ये जगह मेरी मेरी इस घर के लिए है। बाकी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन ये ऐसी जगह है जो कि बहुत डरावनी जगह है, बहुत डरावनी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एंडर पर्ल पड़ी हुई हैं, तो पर्ल मारते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं। ओ मैन, आ चुका हूँ मैं भाई, आ चुका हूँ मैं, लेट्स गो डाउन। ओ माय गॉड, एंड ये है वो कर्ज वर्ल्ड जिसके अंदर आज हम लोग जाने वाले हैं और हीरो ब्राइन को देखने वाले हैं। भाई कितना अंधेरा है ये, सीरियसली अगर इस घर में उन एंटिटीज़ में से भी एक एंटिटी भी आ गई तो मैं तो यहीं पे डेड हो जाने वाला हूँ। सीरियसली मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता। ये क्या है, ओह माय गॉड, शिट यार, ये क्या हुआ, ट्रैप बनाया मेरे लिए, मुझे ट्रैप में गिरा दिया। व्हाट भाई, कितने चालू लोग हैं ये लोग यार, यानी ट्रैप में भी गिरा लिया इन लोगों ने, देख रहे हो तुम लोग। तभी मैं बोलता हूँ ये हीरो ब्राइन का वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा कर्स्ड वर्ल्ड है। फिलहाल को मुझे वापस से ऊपर अब चढ़ना पड़ेगा। क्यों ना मैं टॉप बिल्डिंग पे चला जाऊँ जहाँ पे वो इस वक्त है, क्योंकि फालतू में मैं टाइम लगा रहा हूँ इधर से उधर जाने में। तो कोशिश करते हैं कि फटाफट से टॉप बिल्डिंग पे चलते हैं, क्या पता जा सकूँ, क्या पता ना भी जा सकूँ। ये फट रहा है यार, क्या मुसीबत है। इस तरफ आके फट, हाँ इधर फट गया, फट भी गया, मेरे डॉग को भी मार दिया। क्या बंदे हो यार तुम लोग, मेरे सामने सामने स्पॉन हो रहे हो, अजीब बंदे हैं यार ये लोग। फॉल इन नॉच, ये देखो मैं तभी बोल रहा हूँ ये पूरा वर्ल्ड कर्ज से भरा हुआ है। यहाँ पे जल्दी से ऊपर भागते हैं कि इससे पहले ये सारी और लोग आ जाएं। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है ब्रो? फॉल इन नॉच मार दिया इसने मुझे। क्या बोला था मैं तुम लोगों को, दोबारा से ना फाइनली आ चुका हूँ अपने इस हीरो ब्राइन वाले घर में। और लेट्स गो गाइस अब, मगर ये क्या, ये क्या, ये क्या है, नहीं 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 ना करने का सोच रहा था, यही हुआ। अभी जल्दी से टूट जाए भाई, टूटने में इतना टाइम ले रहा है। जल्दी टूट, जल्दी टूट, जल्दी टूट, जल्दी टूट, टूट 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 टूट। कितना टाइम लेता है यार ये, फाइनली टूटा, लेकिन फ़ायदा नहीं कोई जाने का यहाँ से। चलो मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ करके ऊपर चल के ही मिलता हूँ, ठीक है, चलो भाई। तो हाँ गाइज मैं अब आ चुका हूँ ऊपर फाइनली, और अब तुम लोग देख सकते हो फॉल इन नॉच भी लिखा हुआ है, एंड हेयर इट इज, ये है हीरो ब्राइन जिसने हमें पूरी दुनिया, इसके सीने पे देखो लाल सा बटन दिख रहा है, ये है रियल वाला हीरो ब्राइन जो कि ये फुल रियल है। बाकी जो नकली इसके क्लोन्स होते हैं उसके सीने पे ये लाल बटन नहीं होता। हम जब इसको मारेंगे ओनली फिर सब दुनिया के तमाम हीरो ब्राइंस ख़त्म होंगे, वरना जब तक ये ज़िंदा रहेगा इस वर्ल्ड में कोई भी हीरो ब्राइन नहीं मरेगा। तो हाँ, इसी को मारने के लिए हमें वो स्पेशल सॉर्ड चाहिए जिसके लिए हमें पार्कोर चैम्पियनशिप जीतनी पड़ेगी, जो कि मुझे नल ब्राइन ने बताया है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो पार्कोर चैम्पियनशिप जीतूँ और इसको हमेशा के लिए ख़त्म करूँ, तो अगली एपिसोड देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।